अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, कार से निकले हुए इधर टीले रेत के थाल है ना, उधर जा रहे हैं। जो चाचू ने खाना खिलाया वो हजम कर वो कहते हैं हजम करवाना है आपका। नहीं वैसे मजाक किया, कहते हैं आपको घुमा फिरा लाते हैं। और साथ में फुफ्फू है, साथ साथ फुफ्फू कहती है वीडियो भी बना है ना साथ साथ हमारे इलाके। अब ये फुफ्फू का इलाका है। हाँ भाई हमारा इलाका है, अब इधर ही रहना है। हाँ क्यों नहीं, ठीक ये बात है। और यहाँ पे साग इतना इतना था पहले, तो फुफ्फू कहती है अभी इसको पका सकते हैं। अभी इसके पत्ते हैं, अभी उसमें से वो साग नहीं बना। पत्ते थे और कहती है अभी इसको बना सकते हैं। अब किधर से जाना, तो ये इधर जो है ना मुंजी वो पक गई। और मुंजी वैसे हर इलाके में तकरीबन 10-12 दिन तक कटाई शुरू हो जाएगी, और कहीं कहीं तो मैंने देखा शुरू हो भी गई है। ये घास जानवरों वाला, इसके बाद फिर इस हम छोटे से रास्ते से जाएंगे ना। बड़ा सुराख चूहे का है, क्योंकि ये बहुत पुरानी जगह है। मुंजी नहीं खाते, वैसे वो रैश रखते हैं, ये सुराखों में सुराख खोदते हैं वो इस जगह पे। एक तरफ से कमांड और एक तरफ से मुंजी है, तो इधर से जो रास्ता था ना ये वाला, ये बांध किया हुआ है मुंजी और कमांड ने मिलके, क्योंकि कमांड गिरा हुआ है। वो जो खम्बा नजर आ रहा है ना उस तक हमने जाना है। अभी हम लोग आ गए हुए हैं जी रेत के टीलों में, बहुत चले हैं। तो ये आगे टीले हैं और यहाँ से घर शुरू हो रहे हैं। ये उधर से गहराई में है, फिर इसके दरमियान में टीला है, ऊंचा है, फिर इधर से फिर इधर से ये नीचे है। अभी हम लोग सांस ले रहे हैं। चार पाइयां, ये वो मैं इस जैसे चार पाइयां बड़ी देर से ढूंढ रहा था पर मुझे मिल नहीं रही थी। खजूर के पत्तों से बनाए जाते हैं ना, सर्दियों में ठंडी होती गर्म होती है। नहीं बस मुझे वैसे देखनी थी, ये चार पाई मजबूत होती है और जब धोते हैं तो साफ भी जल्दी हो जाती। खुश पानी आप पी लें, पहले पिए 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 आप जो ये चाक की याद खत्म होने आगे फिर सराय की बोलने वाले लोग हैं। यहाँ जहाँ हम बैठे थे यहाँ हल्की हल्की वो सराय की बोलते थे, पंजाबी भी बोलते थे। और हमारे इधर से अब बस होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये हाइकिंग है तो फिर जूता उतार लें आप, आसान रहेगी। ये साथ कुछ ज्यादा ऊंचा टीला है, और मजे की बात ये कि इधर भी दरख्त हैं। बेशक इस दरख्त को पानी पता नहीं कब मिल, तो बारिश का पानी और तो कोई पानी नहीं है। और दरख्त सही ठीक ठाक सरसब्ज है, नीचे से पानी देने का कोई जरिया नहीं है। वो इसका नीचे वाली जो है ना, इसके जड़े शड़े बिल्कुल रेत में है। उतार लिया भाई, मेरे से तो चल नहीं रहा इतना मुश्किल। और मिसपा ने जूता उन जिस घर में हम बैठे थे ना वो घर उधर है, और इसने भी अपना जूता उधर चेंज कर लिया था। यह है जूता, उन्होंने कहा अब चेंज कर लो। हाँ अच्छा, यहाँ के लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग हैं। वो अम्मा जी के जानने वाले थे, और जब उनको पता चला भाई दूर से आए हुए हैं, जंग से आए हुए बंदे, लेके आए पता नहीं ऐसा ना लगता जैसे कुछ चुभ रहा हो। माल लें आप, रेत की होगी। हाँ रेत मतलब ना माल, माल आराम से माल लें और एहतियात से चलें। खुश है नजर, उधर एक खजूर के भी दरख्त है, एक और दो तो अम्मा अच्छी हैं जो तीन तीन दरख्त हैं। इसको कहते हैं उका, और ये बनाने में इस्तेमाल होते हैं तंदूर।
तंदूर और, बनाने हाँ तंदूर हाँ। बनाने में इस्तेमाल होते हैं और हमारे हमारे यहाँ तंदूर बनाने के लिए उका मिलना भी मुश्किल है, तो इसको खुश्क ये रेतले इलाके में होता है। इतनी प्यारी जगह है, खुला मैदान, पुरसकून माहौल, दिल करता है यहाँ पे बस जाए सच में। ये रेत इतनी ज्यादा साफ है, कुछ भी इधर नजर नहीं आ रहा। ये इधर कोई सांप आया, उधर से आया, ये किधर गई, ये आया फिर इधर इधर आया, फिर ये घूमता फिरता 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 फिर उधर चला गया। अच्छा तो अब हम ऊंचाई पे आ गए हैं, हम मजीद जाएंगे तो फिर ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। ये है वो चारा, वो बाइक वाला जा रहा है, वो ऐसे उन्होंने हवाएं काम की होती हैं और आराम सुकून से जा रहा है। भाई हमारी बस की बात नहीं है इस रेत में बाइक चलाना, इनकी आदत बनी हुई है। इधर कुछ था, ये पड़ी है क्या कहते हैं, ईंटें पड़ी हैं। आपको पता जब फयाज भाई लोगों के घर गए थे तब भी ऐसे ही वो थे और हमने बड़ी मुश्किल से बाइक चलाई थी और हमारी बाइक तक रास्ता शॉर्ट था, फिर भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी उधर। अब हम बिल्कुल एक टीले की चोटी पे खड़े हैं और ये वो चारा है और इस चारे में आते हैं बटेर और इनको पकड़ने के लिए वो उधर जाले लगी हुई है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये आप नजर आया होगा, ये जो चार पाई पड़ी है ये किसी शिकारी की है और ये जो लगाई गई है ये जाले हैं। आदमी भी बैठा है किधर, वो आगे सोया पड़ा है एक, इधर मेरी उंगली के सामने एक बाबा लेटा पड़ा है और रात को ये इधर चलाते हैं वो टेप जिस, तो उसमें ये बटेरों की आवाज आती है, फिर वो बटेर निकल के जाते हैं, इनके आगे जाल लगे होते हैं उनमें फंस जाते हैं और फिर ये बटेर को निकाल के खुद पकाएं या बेचें जो भी करें वो फिर करते हैं। अब मुझे इधर से डर लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे होना है तो फिर नीचे आ जाए, अब आगे चले। ये किसकी है इतनी ज्यादा, इधर खेलते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनकी है वो सुराख इनका, हाँ इसमें घुसते हैं और फिर इधर से निकलते हैं। ये इतने ज्यादा सांपों की, वो ऊंट खड़ा है, ये थाल में बहुत ज्यादा होते हैं ऊंट, मैं दिखाता हूँ जूम करके, वो मेरी उंगली के सामने, ये उधर ही खड़ा है जिधर वो बुजुर्ग एक सोया पड़ा था। फिर इधर पता नहीं एक दो तीन चार काफी ज्यादा ये हैं ऐसे सांपों के, वो रास्ते से बने पड़े। ये रेत के टीलों में वो पानी निकालने वाला बोर खड़ा है, इधर किया वो जो आपको एक पाइप से नजर आ रहा है वो बोर है और इधर फूफो लोग भी वही देख रहे हैं। हाल का इलाका है और ये लहिये का इलाका है, इसका जिला लहिया है और अच्छा। तहसील चौबारा है अच्छा। और जांग खत्म हो जाता है 1 किलोमीटर पीछे। अभी हम जा रहे हैं आगे, एक पाइक आ रहे हैं चने की बिजाई, वो देखते हैं कैसे की जाती है क्योंकि रेत के टीलों पे वो ट्रैक्टर चढ़ाते हैं फिर उतारते हैं, ट्रैक्टर की काफी आवाजें आ रही हैं, वो देखते हैं अब कैसे होती है। अब अल्लाह करे हम वहां तक पहुंच जाए क्योंकि हमारे आगे मेरे पांव पे पांव रखे जा रहे हैं, रखा फरस लगा आराम से चले गिर जाएंगी। अगर मैं गिर गई ना तो मुझे संभालना भी किसी ने नहीं है। इतने सारे ऊपर से रेत आए तो फिर नीचे से गीली रेत आ जाती, इसी पे तो वो छोले जाके उगते है ना। ये कह रही अम्मा के इधर आते थे वो जो पीलने होते हैं ना गांव में, वो चुनने आती थी औरतें, तो वो जो उनके पास बर्तन होते थे ना मट्टी के होते थे तो टूट जाते थे, तो अब जैसे जैसे रेत इधर उधर होती है ना तो वो नीचे पड़े हैं ऊपर निकल आते हैं। सब लोग थक के बैठ गए इधर, चनाव मट्टी का कोई नाम निशान ही नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। बनाओ वाह, ये बेरी का दरख्त है इधर तक, इस पहले ना टीला था, टीला आहिस्ता 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 हट गया कुछ हवा से, ये पता नहीं कैसे भी हुआ, बारिश से तो नहीं हवा से ही, आंधियां आती है ना गर्मियों में बहुत ज्यादा, तो अब देखें इसका सिर्फ जड़े नीचे हैं, बाकी इसका सारा का सारा इधर तक हिस्सा जमीन में होता लेकिन है फिर भी इस जगह तक है। अब हिला के चेक करते हैं, ना 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 नहीं हिल रहा, बिल्कुल मजबूत खड़ा है, जिसका वो कहते हैं ना ये एक ना मारे तो कौन मारे, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, ये भी दिखाइए और हमें बट्टा मिला और हमने ये इस्तेमाल करना इन क्या करने ऐते नहीं दिता है, अड़ियां उत्ते मारने वास्ते, अड़ियां साफ करने वास्ते, अड़ियां कुचन वास्ते है। आ जाएं जान लगाएं, वो पहले उधर हम थे वो टीले इससे नीचे थे और अभी हवा लगना जी ठका ठक शुरू हो गई है। ऐसे वो मैं
ये कि जो बड़ी रोड है मेन रोड बड़ा। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं ना फिल्मों में देखती थी इस तरह से टीले, लेकिन हकीकत में पहली दफा देखे। बस हो गई, बस तो होगी, लेकिन ये जिंदगी का मजा कहाँ मिलता है। ये सब तो है, थकावट तो बहुत है ना। अभी हम पहुंच आए हैं उधर जिधर मैंने आपको बताया था ना कि छोले काश्त हो रहे हैं। तो ये जो है ना ड्रिल से, ये उधर वो ट्रैक्टर वाले भाई हैं, वो टेप लगा के उसने आराम से की हुई है। तालिब हुसैन दार ऐसे घुमाते हैं हमसे, तो भाई मैदानी इलाकों में ऐसे हरगिज नहीं घुमाया जाता। ये टीले के ऊपर है ट्रैक्टर, आराम से कर रहा है यंग लड़का है। इनमें बीज है या भी बीज होगा इनमें, ये इधर करके इनका बीज डाला जाता है इस जगह पर। अब सारे पांव जो है ना वो चले गए हुए हैं जी रेत में। ये देखो कितनी कितनी रेत जा रही है पांव। यू तो उतार लिया आपने? हां मैंने तो उतार लिया। इस बने पहना हुआ पहना हुआ आ गए। रेत ही रेत है और कहीं कोई, इधर एक कार है और कहीं कोई इंसान नहीं है, कहीं कोई जानवर नहीं है। ये बीज डला पड़ा है चने का इस तरह से, पीछे एक पहिया सा लगा हुआ है, ये भी चलता जाता है। ये देखें आप, उसने टर्न की है गाड़ी, रेत में बाइक आराम से लेके जा रहा है भाई। हम जा रहे हैं घर की तरफ, आए थे हम और रास्ते से और वापस जा रहे हैं और रास्ते से, शायद इधर से सफर काम है भाई जान। ठीक है, ये खजूर है, इधर खजूर तक पानी नहीं मिलता, फिर भी सरसब्ज है और इसने खजूर भी ली हुई थी। अब तो नहीं है खैर इसका मौसम, तो नीचे से ज़मीन पक्की है और खजूर का कलर ऐसे सब्ज़ है जैसे इसको पानी मिलता हो। और इधर एक कब्रिस्तान भी है ये रेत के टीलों में, उधर ये मेरी उंगली के सामने। शायद हम आपको अब ना दिखा पाए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और हमें निकलना है जल्दी से कार। निकल गया होगा, पता नहीं कहाँ चला, चला गया नहीं। इधर 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 वो ये देखो कितनी बड़ी, हाँ ये सुराख है ना गांव में, बचपन में ना बच्चे इसमें से निकालते हैं, कीड़ा निकलता है उसको चोर कहते हैं। हम खेलते थे। अच्छा ये घास है, इसकी जो है ना 7-8 साल चलता है, ऊपर से काटते रहो और नीचे से उगता रहता है। शायद रोड ग्रास इसका नाम है, या उसके साथ का कोई और भी हो सकता है। ये इस तरह से होता है, सबज काफी ज्यादा है। चले इसको बकरियां खाती हैं, आराम से खाती हैं। है ट्यूबवेल का है खूह, इधर से इलाका शुरू होता है ना इस कार से, बस ये पहला ही खूह है। 30 फुट होगा बोर, इतना ज्यादा गहराई में नहीं है। ये इसका पीटर इंजन, एंड ये इसका जो है ना वो पानी जहाँ गिरता है खाड़ा जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, पानी अभी भी इसमें खड़ा है। ये जो है ना ये खरबूजा नहीं है, ये इसको हम पंजाबी में कौड़ तुम्हे कहते हैं, और इसकी बेलें ऐसे होते हैं जैसे खरबूजा। ये रेतले इलाके में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हम उधर से तो बाहर निकल आए हुए हैं थाल से, खैर अभी कार भी 1.5 किलोमीटर रहता है तो उधर जाना है, उधर से फिर बाइक उठा के कार चले जाना है। खैर आज के लोग हम यही पे करते हैं, अल्लाह हाफिज़। मुझे कुछ बाय बाय, बहुत काफी थकावट हो चुकी है, बहुत ज्यादा थक गए। ये बाजरा पक गया हुआ है, इसको काटा जा रहा है, जो पाक जाता ना वो इधर से। ये देखें अब इसके ऊपर नहीं है छल्ली, काट ली गई है। सामने वो वाला रहा कार, उधर तक जाना है, फिर उधर बाइक खड़ी है, और फिर वो बाइक ले गए तो यहाँ पप्पू लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर के हमने निकल जाना है।